सबसे बड़ी पार्टी की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बना, इससे आपको दर्द है मैं जानता हूं कि केशव प्रसाद क्यों बन गए दोबारा उप मुख्यमंत्री। मैं जानता हूं आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के विरोधी हो, आपको स्वीकार ही नहीं। मैं अगड़ा पिछड़ा इस भेद में नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि आज सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया, इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। और आज मैं दावे की चर्चा कर रहा हूं, एक तो माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कह रहा था कि 400 सीट का दावा मैं अपने एक ज्योतिषी मित्र से पूछ रहा था कि भाई ये 400 सीट का जो दावा है, जो 400 सीट का दावा है इसमें क्या सच्चाई है। मुझे आश्चर्य यही लग रहा था कि या क्या है, मतलब लगातार कई डिबेट में, कई इंटरव्यू में मैं आपके भाषण भी सुनता था, सभाओं में भी सुनता था, तो मुझे लग रहा था 400 का दावा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत निश्चित तौर से मैं भी जानता हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के बीच में हूं, जरूरतमंदों के बीच में हूं, दिन भर जनता से भी मिलता हूं, क्षेत्र में जाकर लोगों से भी मिलता हूं, तो मुझे पता था कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आएगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं इस सदन में कहूंगा तो वो दूसरे प्रकार की बात हो जाएगी, कैसे आपके नंबर इतने बढ़ गए, मेरा तो विश्वास था कि आप 47 का आंकड़ा नहीं पार करवाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता था कि आप 47 का आंकड़ा पार कर लिए, आप 100 से ज्यादा सीटें जीत लेकर के आ गए, वह ठीक है, जनता का जनादेश जहां तक पहुंचा है, आपको प्रतिपक्ष में रहने का मौका दिया है तो आप प्रतिपक्ष में रह करके, लेकिन कभी अगर एक बार गरीबों के बारे में अगर आप सोचते, मैं देख रहा था दोस्ती ने जो कहा है कि अभी श्री अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं, अब इसको मैं ये मेरे मित्र ने कहा है, आप कहेंगे उसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं, ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता दिया, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसे अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रही, उधर बैठने के लिए तैयार रही, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को कहना, मुझसे पूछे मेरे लिए क्या कहा, अरे आप नहीं चाहते थे केशव प्रसाद दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बनकर के बैठा हूं, मैं तो कह रहा था मैं सदस्य बनकर के आऊंगा कि नहीं आऊंगा, आपको इसकी चिंता नहीं कि मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन आप चाहे जितना दूध में आप डालते हो नींबू, लेकिन हम दूध में चीनी डालते हैं, हम मीठा करते हैं, आप उसको फाड़ने का काम करते हैं, हम सब एकजुट होकर के सरकार को चलाए, दोबारा सरकार बनकर के आई है, और दोबारा सरकार बनकर के आई है तो मैं यही कह रहा था माननीय अध्यक्ष जी कि आप अपनी तरफ बचा के रखना, इधर की चिंता मत करिए, इधर तो हम लोग रहेंगे क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में, अभी आप कई चीजें गरीबों की बात कर रहे थे, अब गरीब आदमी कोई जाति और धर्म और समुदाय से रिलेटेड नहीं होता, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव में अब नगर पंचायत बन गई है, जहां मैं रहता था मेरा भी घर जहां था, कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कोई हमारे घर में कोई शौचालय बन जाएगा, कभी कल्पना नहीं करते थे कि हमारे घर में भी बिजली लग जाएगी, मैं स्वयं संगठन का काम करता था, कभी सोचा नहीं था कि एक गैस का कनेक्शन मेरे घर में आ जाए, मैं दूसरों की बात नहीं करता, पूरा प्रदेश इसका साक्षी, लेकिन आज जब ये आंकड़ा देखता हूं कि 1,41,00,000 गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने कर दिया, आप उस गरीब का दर्द अपने सरकार के समय दूर नहीं किए, आपको गरीब की पिछड़ों की वंचितों की किसी की चिंता नहीं थी, हमारी सरकार को चिंता, आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख रहा था आज के कार्यकाल में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद तत्काल योजना प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आप तो 1,00,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, आप सोचते थे अगर प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा तो साइकिल पंचर हो जाएगी, मैं उस समय संसद में पहुंच गया था माननीय अध्यक्ष जी, और संसद में पहुंच करके मैं उस समय संयोग से मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था 2016 में, मैं कहता था कि आप केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना को उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए आने दो, लेकिन हर काम में बैरियर लगा करके खड़ा करने का काम अगर किसी सरकार ने सबसे अधिक किया था तो मेरा भी जो अनुभव है 2012 से लेकर के 2022 तक का, तो श्री अखिलेश जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने
केंद्र सरकार की योजना यूपी में ना आने पाए, इसके लिए कदम कदम पर बाधा डालने का काम किया। और उसके कारण मैंने कहा आने देते तो प्रदेश का भला होता, प्रदेश के लोगों का भला होता, अगर नहीं आने दोगे तो इससे ज्यादा आपका नुकसान होगा। और जनता ने वही किया। उस समय जो आपके हालात हुए, आप 300 सीट जीतने का दावा कर रहे थे 2017 में, लेकिन आपकी नीति अगर सही होती, आपके कार्य अगर सही होते तो निश्चित तौर से आप फिर जीत करके आते, आप फिर यहां बैठते। लेकिन आपको जनता ने एक बार नहीं दूसरी बार नकार दिया, और दूसरी बार विधानसभा में नकारा, और दो बार लोकसभा में नकारा। कभी आप कांग्रेस के साथ गए तब भी आपको जनता ने नहीं स्वीकार किया, कभी आप बुआ जी से मिल गए तब भी आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया। मैं गरीबों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया, मैं अभी उज्ज्वला योजना की आप प्रशंसा कर रहे थे, अरे इस बात की प्रशंसा, ये कोई साधारण बात नहीं है कि 1,67,00,000 गरीब माताओं बहनों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया गया, वो उनको गैस का कनेक्शन मिलने के बाद गैस भी भरा रहे। आपको पता इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप गरीब के संपर्क में नहीं है, अभी आपको फिर खराब लगेगा, आप गुंडों अपराधियों और माफियाओं के संपर्क में जाएगा, इसलिए आपको परेशान। अगर गरीब के संपर्क में होते और गरीब की चिंता करते तो शायद आप कुछ और आपके नंबर बढ़ जाते, लेकिन आपको गरीबों की चिंता थी ही नहीं ना है। ऐसे हम पे एक भी मुकदमा हो तो बता दें, गरीब की चिंता अभी बता दीजिए, मैं बता दूंगा, अभी सब कुछ बता दूंगा। गरीब की चिंता नहीं है, पिछड़ों की चिंता नहीं है, अभी रोजगार की बात कर रहे थे। मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूँ, अरे अभी सुनिए, मेरी पार्टी का जितना समय होगा मैं लेकर के बोलूंगा, आप परेशान ना हो। माननीय नेता सुनने का साहस करिए, अभी कोई समय नहीं था, जितना उन्होंने बोला बोला उनको, अभी तो शुरुआत मुख्यमंत्री हम बोलेंगे उसी रेशियो के हिसाब से, समय उसी रेशियो के हिसाब से, समय का रेशियो वही है, समय का रेशियो, समय का रेशियो वही है। हम आप माननीय आप सुनो सुनो, अरे सुनने की अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता आप नहीं नहीं समय उतना दे देना जितने में अपने मुकदमे बता दें बस। मैं अभी आपको सब बता दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप वो अभी बता दूंगा। और केशव प्रसाद ने सदैव राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी है, राष्ट्रवाद की लड़ाई है। अगर आपको ये लगता है कि राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने में, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने में, गौरक्षा की लड़ाई लड़ना गलत है, तो गलती में जीवन भर करता हूं। इसलिए आपकी घबराहट में जानता हूं, मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे आप विधिवत जरा समीक्षा करवा लीजिएगा, और उस समीक्षा की कौन से आपके कार्यकाल में क्यों लिखवाए गए। मैं खूब समीक्षा कर चुका, मैं तो जानता हूं, मैं तो आंदोलनकारी रहा, मैं तो राजनीति में रहा ही नहीं, इसलिए मैं आंदोलनकारी रहा हूं, आंदोलन करने वालों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। मेरे को मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी थे गरीब किसान थे। ठीक है, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ये क्या काम और करते थे। आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, बेचते थे तो हम माने सर सब लोग चाय पीने चलेंगे। नहीं अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज संसदीय सीट माननीय नेता प्रतिपक्ष ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, एक कन्नौज लोकसभा सीट है, वहां से माननीय नेता प्रतिपक्ष सांसद हुआ करते थे, वहां एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी, उस समय सरकार किसकी थी,
वह हत्या कैसे हो गई थी, उसके अभियुक्त कौन थे वो बता दे। मैं तो इस तरह के पीछे, मतलब मैं तो आंदोलन का बताया, मैं तो हिस्सा था और आंदोलन का हिस्सा होने के कारण अगर मेरे आंदोलन के मुकदमे आपको दिखाई दे रहे हैं तो आंख की भी जांच करा दीजिए, मैं आपसे उनके निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने, मैं चूंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं, प्रयागराज से जुड़ी हुई दो बातें आपने कही। प्रयागराज से जुड़ी हुई एक तो सरकारी नौकरियों की बात है। जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 तक, तो सारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने नौकरी दे दी थी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई तो सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया हो, ऐसा आरोप लगाते हैं। वो आयोग उस समय भ्रष्टाचार आयोग बन गया था, समाजवादी आयोग बन गया था और वो भ्रष्टाचार जो आयोग के अंदर हो रहा था, वहां के छात्रों ने आंदोलन किया था, वहां मैं विधायक था। उस समय 2012 में जब विधायक चुन करके आया था लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले, विधायक का विधायक चुनाते सभी जितने विधायक चुने गए तो उनको बुलाया। नहीं अध्यक्ष महोदय, परीक्षाएं कितनी रद्द हुई वो भी बता दें। अध्यक्ष महोदय, आजकल एसआई की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो माननीय सरकार बता देंगे कितने पकड़े गए उसमें अभी तक। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था तो जरूर स्थापित हो जाए। मैंने बोला सब एक साथ पूछ लिया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो बीच में चौक अटैक अड्डा हो माननीय, वही मैं कह रहा हूँ सब एक साथ पूछ लिया, मैंने भी रिक्वेस्ट की। समय जो है मैं बता रहा, मान्यवाद जो समय है ना वो संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए, संख्या के आधार के ऊपर निर्धारित होता है और जिस प्रकार की जितनी रेशियो के हिसाब से संख्या होती है उस हिसाब से। आयोग थे उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं बता दीजिए। एक मुकदमा, आप मुख्यमंत्री थे और जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन था, एक जनप्रतिनिधि के नाते उसमें मैं शामिल होने के लिए गया और उसमें शामिल होने के लिए गया तो आपने मुझे मुख्याभियुक्त बना दिया। क्यों बना दिया वो मैं आज तक समझता हूं, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता था, आपको बर्दाश्त भी नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि रोजगार हमारी सरकार में, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, यहां तमाम माननीय सदस्य जो बैठे हैं गांव के बैकग्राउंड वाले हैं। किसी सरकार के समय बिना पूजा मतलब कुछ चढ़ाए किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी और आज मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान ये आरोप नहीं लगा सकता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने पैसा देकर के नौकरी। अब कोई नकल कराने वाला गैंग ये आपकी उपलब्धि है, मैं मानता हूं कि आपकी जब सरकार थी।
क्षमता रखिए ना, आप सुनने की क्षमता रखिए। नहीं अगर आप उनके पास, मैं इनके बाद आप एक अवसर दे दूंगा, आप बता दीजिएगा जो नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा ना, आपने जो कुछ बताना है उसके बाद से बता दीजिएगा। मैं आप शुरू किया, ये गलत परंपरा शुरू हुई, इसको स्वीकार करने में अपनी उपलब्धि के रूप में मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को कोई नाराजगी होने का सवाल नहीं है, ना हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को कोई नाराज होने का सवाल नहीं। अभी दूसरा विषय यहां पर आ रहा था कोरोना से संबंधित। कोरोना के संबंध में देखिए, आपने कोरोना का जब संक्रमण का संकट आया, अब उस कोरोना संक्रमण के संकट के समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की प्रशंसा करने वाले। अभी कल ही हम देख रहे थे क्वाड में, जापान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, अमेरिका जैसे सभी सुविधाओं से युक्त संपन्न देश का राष्ट्रपति उसकी प्रशंसा कर रहा है कि भारत ने बहुत शानदार ढंग से कोरोना के संक्रमण से निपटने का काम किया। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के आबादी में 5वें नंबर पर हमारा स्थान आता है, और जितने शानदार ढंग से कभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ये चर्चा कर देते, हाँ उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से अधिक है और महाराष्ट्र की आबादी उससे कम है, केरल की आबादी उससे कम है, बाकी राज्यों का भी उल्लेख करते, एक लाइन कह देते कि हाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शानदार ढंग से कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और लड़ी गई। आपको देखिए, मैं अभी मेरी बात को अभी फिर मैं जानता हूं उधर से बुरा मानेंगे, लेकिन मैं कहूं कि आपने कहा देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या करके कोरोना की वैक्सीन तैयार की, और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का टीका है। और मैं आरोप लगा इनको, ना तो कोरोना का टीका पसंद ना माथे का टीका पसंद, माथे का टीका लगा कोरोना का टीका नहीं लगा पाया। अब महोदय साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन साइंटिस्ट का पढ़ता हूं, जो रिसर्च पेपर वो पढ़ता हूं, मैं इनसे कहता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा वैक्सीन पे, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, शायद हमारे डिप्टी सीएम नहीं जानते ये बात, दुनिया का डिप्टी सीएम ही नहीं जानते, और ये क्या कह सकते मैं टीका नहीं लगाता। अरे आप पिछड़ों को बर्बाद कर रहे हो, बैठ करके पिछड़ों को धोखा दिलवा रहे हो, वो आपको याद ही नहीं है, और आप वो अपमान भूल गए जो पत्ती लगी थी, आप बता आई लगी थी हटा दिया गया। आप माननीय अध्यक्ष महोदय,
क्योंकि कोरोना के संबंध में आपने चर्चा की, इसलिए कोरोना संबंधित कोई आर्थिक विषय में से कुछ विषय लेकर के बैठ करके नोट कर लिया था और नोट करके उसका जवाब मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। अब प्रयागराज का रहने वाला हूं, अभी आपने कहा वो लाशों के ढेर, मैं चाहूंगा कि जैसे आप प्रतिनिधिमंडल सरकार को बदनाम करने के लिए भेजते थे, एक प्रतिनिधिमंडल आज भेज दीजिए। आज तो कोरोना कारण मौतें नहीं हो रही है, वो प्रयागराज की धरती में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग गंगा जी के तट पर जाते हैं। आज भी आप जाकर के देखेंगे तो वहां बहुत सारे लोग गंगा जी के किनारे बालू के नीचे अपने परिवार के जो सदस्य उनके नहीं रहे इस धरती पर, उनको जाकर के वहीं दबा करके बालू के अंदर आते हैं, वहां ऊपर वो रामनामी डाल देते हैं। वो सब आज भी दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चश्मा ही ऐसा लगाए रहेंगे कि हमें तो सरकार की मतलब कमियां खोजनी है, तो चश्मे से तो वो नहीं दिखाई देगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोरोना की चर्चा, हम माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बैठक ले रहे थे, सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के, हम भी एक कार्यकर्ता के नाते ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम सबका प्रथम कार्य क्या है, पहला काम हमारा ये नहीं है कि हम राजनीतिक दल हैं, सरकार में हैं तो दल के नाते केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जिताना, सरकार बनाना और सरकार का कोई पद प्राप्त करके सुख भोगना। हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम लोगों की सेवा प्रथम अपना लक्ष्य रखें, कोई भूखा न रहे, यह मंत्र हमको दिया गया। सरकार के माध्यम से जो हम कर सकते थे वह भी किए, पार्टी के हमारे एक एक कार्यकर्ता दिन रात तपस्या किए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन यह सच है कि मुझे जो जानकारी में फीडबैक भी लेता था, कोई हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कोरोना काल में कोई भूखे को भोजन कराते हुए नजर नहीं आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कोरोना काल में कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, कोई भूखा ना रहे, इस संकल्प के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई। अब उस अन्न योजना के कारण से प्रदेश के 14 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन 2 साल से अधिक समय से मिल रहा है। आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या बताऊं, आप आपकी अपनी जांच करा लीजिए, आपको दिखाई देने लगे। अगर हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करना। आप दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, जितनी भी आबादी है, देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के आंकड़े मंगा लीजिए। कोरोना की वैक्सीन प्रदेश के हिसाब से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लगी है आबादी के अनुपात में। देश के अंदर दुनिया के किसी भी देश की आबादी की तुलना में सबसे अधिक वैक्सीन लगी है। आज भी थोड़ा कोरोना की आहट है, लेकिन वो वैक्सीन हमें अपने वैज्ञानिकों की तपस्या पर भरोसा है। लेकिन आपको हर जगह भाजपा दिखाई देती है, कमल दिखाई देता, मैं क्या कर सकता हूं, मुझका कोई दवाई नहीं। अब भाजपा की वैक्सीन आप इस समय बताए, मैं सुनकर के आश्चर्य कर रहा था कि आप जैसा कहते पढ़े लिखे हो, आप बहुत योग्य मुख्यमंत्री रहे हो, नेता प्रतिपक्ष हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो कम से कम इस प्रकार की बात टीका नहीं लगाना। आप कल्पना करिए, नहीं लगाए होते लोग तब तक कितने लोग मर गए होते, मालूम लगवा ली। लेकिन अगर इस तरह का दुष्प्रचार करने से, इस प्रकार के दुष्प्रचार करने से फायदा नहीं नुकसान ही होता। इसे मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप अपनी बात को निश्चित तौर से, आप प्रतिपक्ष में हैं, सरकार को जो अच्छी आप बातें बताना चाहते बताने का अधिकार है, आप बताइए। सरकार जो आपकी अच्छी बातें होंगी उनको सुनेगी। आप एक एक्सप्रेस वे को लेकर के, अरे आप कल्पना करिए कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं इस समय, आपने घोषणा कर दी, कितने पहले गए, जो पूरे प्रदेश के हालात थे, कई सदस्य यहां पर आपके बैठे होंगे, अभी नहीं बताएंगे आपके सामने सार्वजनिक रूप से, लेकिन वो आपका अलग से पूछ लीजिए कि बताएंगे, कोई भी माननीय सदस्य, मैं पिछली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री था, कोई भी विपक्ष का भी सदस्य अगर आया होगा अपने क्षेत्र की समस्या बताया होगा, तो उस समस्या को भी मैं भी और मेरी पूरी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में उस समस्या का समाधान पूरी जिम्मेदारी से किया। तो अच्छी चीजों का भी गौरवगान करना चाहिए। मैं इसी सदन में था, माननीय अध्यक्ष इसी सदन में था, आप भी उस समय सदन के सदस्य थे। उस समय एक गणेश्वर मिश्र जी के नाम से ग्राम सड़क, मैं नहीं जानता था उस समय, नया नया सदस्य था, मैं सोचा सभी विधानसभा क्षेत्रों में योजना आई है, सबके यहां जाएगी। मैं भी चिट्ठी दिया तो वहां किसी अधिकारी ने मुझे बताया, नहीं आप भाजपा वाले हो, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ये तो गलत बात है भाई, और उस समय बहुत सारे पक्ष और विपक्ष देख करके निर्णय होते थे, लेकिन हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस विषय को लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ
साथ काम किया गया, और इस ईमानदारी के साथ अगर हम काम नहीं किए होते तो जिस प्रकार से आप दावा कर रहे थे चुनाव के दौरान, मेरे सदस्य यहाँ पर बैठे होंगे, हम लोग तो झगड़ा टालते टालते परेशान थे। समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया हर गांव गली गलियारे में झगड़ा कर रहे थे, और उस झगड़े से बचना मुश्किल हो रहा था। कि हम लोग कितना झगड़ा टाले हैं वो उस बात को शायद मैं समझता हूँ, मेरे जो इधर बैठे साथी होंगे इस बात को अच्छी तरीके से समझते होंगे। समाजवादी पार्टी के समय में, समाजवादी पार्टी के समय चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, उसका पूरी तरह से सपाकरण कर दिया गया। आज हमारे समय में जब इसका प्रमाण पत्र क्या होता है, आपका केवल भाषण सदन में ये प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण जनता, जो जनता की सबसे बड़ी अदालत है उत्तर प्रदेश की, जनता के बीच में हम गए और उत्तर प्रदेश की जनता में के बीच में जाकर के सारे दलों ने आपके पक्ष में आपको समर्पण कर दिया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी प्रचंड विजय के साथ सरकार के अंदर आई। और आप कानून व्यवस्था को लेकर के अभी सवाल उठा रहे थे, अरे आप अपना कार्यकाल मुझे लगता है कभी आप देखते नहीं। अगर अपना कार्यकाल आप देखेंगे तो हमारे कार्यकाल में सवाल उठाने से पहले जिस शीशे के घर में आप रहे वो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दुरुस्त है। आपके समय में आप कह रहे हैं अभी इन्वेस्टर समिट की चर्चा हो रही है, अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, तो आप उसकी चर्चा भी कर रहे थे। मेरे जो जानकारी में है कि जब आपकी सरकार थी आप उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इन्वेस्टर समिट भी नहीं कर पाए, आपको दिल्ली में करना पड़ा था। तो आप इस बात को सोचिए कि क्यों आपको ऐसी परिस्थिति, क्योंकि कोई यहाँ आना नहीं चाहता था। मेरे भी व्यक्तिगत बहुत तमाम सारे लोगों से मिलने जुलने का संबंध संपर्क है, उन्होंने कहा अब हम आएंगे उत्तर प्रदेश में, अब कम से कम उत्तर प्रदेश में हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा निवेश भी सुरक्षित रहेगा और हम विकास भी करेंगे, प्रदेश का विदेश का भी विकास करेंगे। आज एक वातावरण का निर्माण हुआ है, वह वातावरण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह आप सच मान करके चलिए जो भी गलत करेगा। अब बुलडोजर को लेकर के आपको बहुत चिंता हो रही, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, ये कोई यहां पे कोई बताने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, स्पष्ट तौर से निर्देश है किसी गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन कुंडा बक्सा नहीं जाएगा, माफिया बक्सा नहीं जाएगा, अपराधी बक्सा नहीं जाएगा। अगर इससे आप, मैं जानता हूं आपको, चूंकि वो सर्वाधिक समर्थक वो आपके हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उसको लेकर के आपकी परेशानी में समझता हूं कि क्यों आपको दर्द होने लगता है। हाँ, कोई घटना कहीं ऐसी हो गई होगी और किसी पुलिस के किसी प्रशासन के अधिकारी ने कोई गलत कार्रवाई की होगी, तो सर्वाधिक दंडात्मक कार्रवाई अगर किसी सरकार में हुआ तो हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में हुआ। इस बात को ध्यान में रख करके मैं आपको बस इतना ही कहना, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारी पहले कार्यकाल की सरकार शानदार रही है और दूसरे कार्यकाल की सरकार शानदार ढंग से चल रही है। अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर तो 5 साल की बाकी है, या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, या मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं। और इसके आधार पर मुझे लगता है कि अगर सही रास्ते पर चलने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी में भी हो और वो चलना चाहेंगे, तो आप निश्चित तौर से उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। आप एक माननीय विधायक का यहाँ पे विषय उठाए, लेकिन कोई, क्या सभी विधायकों को विषय उठा सकते? जो गलत नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो आप भी खड़े होकर के सदन में कि नहीं आपने गलत के खिलाफ कार्रवाई की है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो निश्चित तौर से अभी आपको लगेगा कि आपका वोट बैंक खतरे में पड़ गया। आप वोट बैंक के खतरे को देखते हैं और वोट बैंक के खतरे के कारण जनाधार समाप्त होने के डर से आप इस प्रकार की बातें, मैं आज सदन में सुन रहा था, इसके पहले भी आप विधान परिषद में थे, मैं आपके सामने आता था, लेकिन आप आज जिन सदस्यों की बात कही, जिनके बारे में बात कही, इनके बारे में आप, मैं पहले कार्रवाई तो जो गलत होगा उसके खिलाफ हो रही है, माननीय न्यायालय ही अंतिम अथॉरिटी है, वो जो निर्णय देगा सरकार उसको स्वीकार करती है, लेकिन आप आज जो विषय उठा रहे हैं उसके पहले आपने कभी नहीं उठाया था। ये तो वोट बैंक का डर है आप,
वोट बैंक का डर है, वोट बैंक का भय है। जो अंदर खाने आपने बात की आज सार्वजनिक की, आप की बात जो है सब संदेश चला जाए कि आप सबसे बड़े हितैषी हैं। मैं बता रहा हूं इस समय प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति अब तुष्टीकरण के घटिया मतलब तरीके से बाहर निकल चुकी है। अगर सबका साथ सबका विकास का मंत्र जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से दावे से कहते हैं, आप पूरे आंकड़े उठाते, ये भी आंकड़े उठाते कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 43 लाख आवास में से किन किन लोगों को कितने आवास दिए गए, आप नहीं उठा सकते क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा, एकदम साफ दिखाई देगा कि कोई जातिवाद नहीं किया गया, कोई क्षेत्रवाद नहीं किया गया, कोई पार्टीवाद नहीं किया गया, कोई सांप्रदायिक तरीके से कोई योजना का लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया गया, क्योंकि उस योजना का लाभ सबको देने का काम किया गया। हमारी सरकार में हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया। भ्रष्टाचार का पर लगाम लगाने के कारण से बहुत सारे लोग परेशानी है, वो मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष को ये कहूंगा, थोड़ा ठीक से अपने मतलब साथियों के बारे में पता लगा लें, अपने दल के तमाम कार्यकर्ता उनके बारे में पता लगा लें तो बहुत सारी समस्या उनकी समाधान हो जाएगी। यहाँ कहना ही नहीं पड़ेगा, आप भी आपकी पार्टी भी ठीक हो जाएगी और प्रदेश का वातावरण भी ठीक हो जाएगा। आज जो प्रदेश की स्थिति है उसका बहुत बड़ा कारण समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, एक गलत रास्ते पर चल करके रातों रात जो बहुत शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ने के सपने देखे जाते थे अब वो नहीं पूरा होगा। परिश्रम करके प्रयास करके कोई कार्य करके कोई आगे बढ़ सकता है, लेकिन गलत रास्ते पर चल करके कोई आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई देश की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी कर रही है। मैं बहुत सारी बातें कहना था लेकिन मैं और बातें न कह करके बहुत सारी, क्योंकि बहुत मेरे साथियों को परेशानी हो रही है। आपने किसान की बात कही थी, आप किसान की बात कही तो किसान की बात में आप कभी एक लाइन अगर इस बात का स्वागत कर देते, छोटे छोटे किसान, हम तो जिस परिवार से आते हमारे स्वयं की एक एकड़ भूमि भी नहीं थी हमारे घर, लेकिन जो 5 बीसवा जमीन वाले 10 बीसवा जमीन वाले पूर्वांचल के जो सदस्य इधर उधर दोनों तरफ बैठे हैं, बताइए छोटी छोटी जोत वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 2,000 की 3 किस्त के माध्यम से 6,000 रुपए वर्ष में जिनको जाता है, आप एक बार उसकी भी प्रशंसा कर देते, आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसानों का भला आप नहीं कर, किसान के नाम पर राजनीति करना या जो लक्ष्य था सरकार को बदनाम करने का वह सब फेल हो गया है। इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा जो अच्छे काम हो, आप माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे काम को अच्छा कहने का भी अगर नेता प्रतिपक्ष और हमारे विपक्ष के सभी साथी सदस्य स्वभाव बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी और पिछड़ों के दलितों के वंचितों के हितों के साथ न समझौता हुआ है न समझौता होगा। आप गलत फहमी फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसमें आशा करते हुए अपनी बारी को विराम करता हूं। माननीय मनोज पांडे जी,